हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 2020। तो जानेंगे आजकल के लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और उससे पहले जो भी लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे तीन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है हरियाणा अनाउंसेस किसान मित्र क्लब स्कीम फॉर फार्मर्स। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए किसान मित्र क्लब स्कीम लॉन्च की है। तो जानेंगे ये स्कीम कब लॉन्च की गई, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फार्मर को कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में लेंगे। सेकेंड हेडलाइन है मोदी गवर्नमेंट अलॉट्स रुपीज 4,000 crore टू स्टेट्स अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसको PMKSY बोलते हैं, उसका कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो उसके लिए मोदी गवर्नमेंट ने या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,000 crore rupees अलॉट किए हैं, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और थर्ड है अपडेट इन एग्रो एडवाइजरी ऐप मेघदूत फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे बात करेंगे मेघदूत ऐप के बारे में जो कि 2019 पर लॉन्च हुई थी, उसको अपडेट किया गया है, कुछ फीचर्स उसमें ऐड किए गए हैं, तो इसके बारे में भी डिटेल ले लेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। पहला है हरियाणा अनाउंसेस किसान मित्र क्लब स्कीम फॉर फार्मर्स। तो यहाँ पे हरियाणा सरकार ने, जिसके प्रेजेंट सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान मित्र क्लब। इस स्कीम की बात करेंगे तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 10 जून 2020 को, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है 10 जून 2020। किसने लॉन्च की, प्रेजेंट हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। दूसरा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स की इनकम को इन्हेंस करना ही इस स्कीम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नारा है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 तक किसान की आय को डबल करना केंद्र सरकार का एक स्लोगन है। उसी के अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि फार्मर्स की इनकम को बूस्ट किया जा सके। आगे बात करेंगे, ही सेड दैट There would be one किसान मित्र for every 100 farmers। प्रत्येक 100 farmers, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है प्रत्येक 100 farmers में से एक किसान मित्र बनाया जाएगा, ठीक है। टोटल अगर हम फार्मर की बात करेंगे तो हरियाणा में 17 लाख फार्मर हैं। अब 17 लाख में से हर 100 में एक एक फार्मर को किसान मित्र बनाया जाएगा, तो 17,000 किसान मित्र हरियाणा गवर्नमेंट को मिलेंगे जो हेल्प करेंगे एग्रीकल्चर में फार्मर की इनकम को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम दूसरे पॉइंट में बात करेंगे तो यहाँ पर इस स्कीम का जो उद्देश्य है वो डायरेक्टली मोदी के विजन से जुड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी के विजन से, जो है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स बाय ईयर 2022 तक किसान की आय को डबल करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्लोगन है, नारा है, उसी के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सीएम जो कि हरियाणा के सीएम हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, 10 जून को ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो इतना आपको इस स्कीम से पता होना चाहिए। और एक क्राइटेरिया है, मिनिमम लैंड होल्डिंग इज 2 hectare इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट इन दिस स्कीम। इस स्कीम में आपको ऐड होने के लिए, बेनिफिशियरी बनने के लिए 2 hectare कम से कम ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 hectare ज़मीन है तभी आप किसान मित्र बन पाएंगे, ये यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट किसान मित्र क्लब के रिगार्डिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको 2 सेकंड वीडियो लाइक करने के देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। आगे बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट अलॉट्स रुपीज 4,000 crore टू स्टेट अंडर पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे ये जो कंपोनेंट है वो किस योजना का है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब लॉन्च हुई, 1 जुलाई 2015। मैं रिपीट करता हूँ, 1 जुलाई 2015 को PMKSY स्कीम लॉन्च हुई।
किसके अप्रूवल पे अप्रूवल दिया? CCAE, इसकी फुल फॉर्म होती है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसने अप्रूवल दिया 1 जुलाई 2015 को इस योजना को। इस योजना का, किस योजना का? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो मोटो था वो क्या था? हर खेत को पानी। क्या था? हर खेत को पानी इज द मोटो ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर हम बात करेंगे तो इसके दो प्रोग्राम थे जो कि प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोग्राम थे, जल संचय और जल सिंचन। ठीक है, जल संचय और जल सिंचन इज द प्रोटेक्टिव इरिगेशन प्रोग्राम ऑफ PMKSY। अगर हम आउटले की बात करेंगे इस योजना का, तो इसका आउटले था 50,000 करोड़। ठीक है, 50,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, 2015-16 से 2019-20 तक। ठीक है, क्योंकि 15 में लॉन्च हुई तो 15-16 से इसका स्टार्ट हुआ और उसका जो आउटले था टोटल 50,000 करोड़ का था, जो 2015 से 2020 के लिए डिसाइड किया गया था। अब थोड़ा सा आपको और पता होना चाहिए, PMKSY के टोटल 4 कंपोनेंट हैं। 4 कौन कौन से कंपोनेंट हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। तो जो पहला कंपोनेंट है वो है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, जिसको AIBP बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। दूसरा कंपोनेंट है हर खेत को पानी, जिसके लिए 4,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं। और इसमें मेन उद्देश्य क्या है? माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन आते हैं, उसी को हम माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, जिसका एम होता है वाटर को सेव करना। ठीक है, वाटर को कंजर्व करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देना। तीसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तीसरा कंपोनेंट क्या है PMKSY का? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और चौथा क्या है? वाटर सेड डेवलपमेंट। चौथा क्या है? वाटर सेड डेवलपमेंट। तो ये हो गए PMKSY के कंपोनेंट। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, अकॉर्डिंग टू 2019 दिसंबर 2019 के अनुसार एरिया कवरेज अंडर माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन के एरिया कवरेज के अंडर टॉप 5 स्टेट कौन कौन सी हैं? एज ए GK आपको पता होना चाहिए कि एरिया कवरेज में टॉप पर कौन सा स्टेट आता है और टोटल टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेट लिख लीजिए, प्लीज़ आप नोट डाउन किया करिए मेरे वीडियो में, क्योंकि कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो मैं आपको ओरली बताता हूँ, उनको मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आप जल्दी से उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे है, पहला जो स्टेट है वो आपका है तमिलनाडु। ठीक है, पहला स्टेट क्या है? तमिलनाडु। सेकंड है गुजरात। थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। फोर्थ पर है महाराष्ट्र। और फिफ्थ पर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दिसंबर 2019 का डेटा है, गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है। रिपीट करता हूँ, फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड गुजरात, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ महाराष्ट्र और फिफ्थ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर भी बात की गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटिंग द पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। तो यहाँ पर किसने इम्प्लीमेंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर ने किसको? तो ये किया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट को, जो कंपोनेंट किसका है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? PMKSY और PDMC। PDMC क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हेल्प करता है वाटर को सेव करने में, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर यूजेस को कम करने में, लेबर के एक्सपेंसेस को भी कम करने में और अदर इनपुट कॉस्ट को कम करने में। तो हर तरह से माइक्रो इरिगेशन इज बेनिफिशियल फॉर अस, इसीलिए गवर्नमेंट भी माइक्रो इरिगेशन के लिए काफ़ी बजट एलोकेट करती है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो काफ़ी वर्क भी हुआ है पिछले 5 सालों में। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, फॉर करेंट ईयर एनुअली एलोटेड ₹4,000 करोड़ हैज़ बीन ऑलरेडी एलोकेटेड एंड कन्वेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 4,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं इस योजना के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे, फर्दर माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस ऑफ 5,000 करोड़ हैज़ बीन क्रिएटेड विद नाबार्ड।
तो नाबार्ड की हेल्प से यहाँ पे एक माइक्रो इरिगेशन फंड तैयार किया गया, जिसका जो रकम थी वो कितनी थी, 5,000 करोड़, जो इसी योजना के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है। आगे बात करेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स 2015-16 टू 2019-20, एन एरिया ऑफ 46.96 लाख हेक्टेयर हैज़ बीन कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो इस कंपोनेंट और इस योजना के तहत 2015 से लेके 2020 तक 46.96 लाख हेक्टेयर एरिया कवर किया गया है माइक्रो इरिगेशन से, मतलब ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है, इसीलिए यहाँ पर इतना आपको पता रखना है इस योजना से रिलेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। और आज का लास्ट करंट अफेयर, एग्रो एडवाइजरी ऐप मेघदूत फॉर फार्मर्स। तो ये ऐप 2019 में लॉन्च की गई, 2 अगस्त 2019, ठीक है, 2 अगस्त 2019 को ये ऐप लॉन्च की गई। और अगर हम बात करेंगे तो ये लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर। मैं रिपीट करता हूँ, दिस ऐप इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर ऑन 2 अगस्त 2019। इतना आपको यहाँ पर पता रखना है। ये आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो वर्क है वो क्या है, ये प्रोवाइड कराएगा लोकेशन, क्रॉप, लाइव स्टॉक स्पेसिफिक, वेदर, वेस्ट, एग्रो एडवाइजरी टू फार्मर्स इन लोकल लैंग्वेज। तो ये आपको क्या क्या बताएगा, ये आपकी टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, सभी के बारे में जानकारी देगा, जिसका नाम है मेघदूत ऐप। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट जब हुआ तो ये 150 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के, ठीक है, 150 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया। और वहाँ पर इसका फीडबैक देखा गया कि किस तरह से काम कर रहा है। और आगे इसका जो योजना बनाई गई है वो ऑल ओवर इंडिया में इसको फैलाने की है, एक्सपेंड करने की है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपको फोरकास्ट करेगा टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और डायरेक्शन के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये एनिमल केयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल ये एप्लीकेशन है, जो कि यहाँ पे लॉन्च की गई थी 2019 में। आगे बात करेंगे, तो ये डेवलप की गई थी, देखो यहाँ पे लॉन्च की बात हो रही है, लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड एग्रीकल्चर, और डेवलप की गई एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड दी ICAR। ठीक है, तीन डिपार्टमेंट ने, तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है। मैं रिपीट करता हूँ, IMD, जिसको इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं, दूसरा है IITM, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी बोलते हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको ICAR बोलते हैं। तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस ऐप को डेवलप किया, तैयार किया। आगे अगर हम बात करें, थ्रू दिस फार्मर विल बी एबल टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी एंड रेन फोरकास्ट बिफोर 3 आवर। तो 3 घंटे पहले ही, ठीक है, रेनफॉल आने से 3 घंटे पहले ही आपको अलर्ट कर देगी एप्लीकेशन, आपको बता देगी कि रेनफॉल हो सकती है, ह्यूमिडिटी में चेंज आएगा, विंड की स्पीड चेंज हो सकती है, जो भी आपके चेंजेस आएंगे एनवायरमेंट में, ये ऐप फार्मर को डायरेक्टली मैसेज करेगी। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है, जो कि बहुत अच्छी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया है। इसका नाम है मेघदूत, लॉन्च की गई थी 2 अगस्त 2019 को। और किसने इसको लॉन्च किया, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड अर्थ साइंस। इतना आपको पता रखना है इस स्कीम से। ठीक है, आगे चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करना इस वीडियो को। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है। तो आज का क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो यहाँ पे बात की जा रही है, IMD जो है उसका हेडक्वार्टर किस शहर में स्थित है। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं।
तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन जो कि था एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, उसके साथ साथ इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में जरूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।